हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। तो आज हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग और टेक। कोडिंग डिकोडिंग में हम पहले देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 में से सिर्फ और सिर्फ मैं आज को कराऊंगा 10 क्वेश्चन। तीन पार्ट में वीडियो आएगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझाऊँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कॉर्नर को GSVRIB के जैसा लिखा गया तो सेंट्रल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख रखा है कॉर्नर, तो यहाँ पे लिखेंगे CORNER कॉर्नर। कॉर्नर को क्या लिखा है GSVRIB। अब पहले इनकी पोजीशंस लिखेंगे कि किस किस नंबर पे आते हैं। तो C आता है 3 पे, O 15 पे, R 18 पे, N 14 पे, E 5 पे और R 18 पे। यहाँ पे G कितने पर आता है 7 पे, S 19 पे, V आपका 22 पे, R आपका 18 पे, I आपका कितने पे आता है 9 पे और V आपका कितने पे आता है 22 पे। तो देखिए 3 से अगर मैं 7 गया तो प्लस 4 हुआ, 15 से 19 प्लस 4, 18 से 22 प्लस 4, N से 14 प्लस 4। तो हर जगह पे देखिए 5 से 9 प्लस 4 और यहाँ पे प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया, सेंट्रल। तो हम लिखेंगे सेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने CENTRAL सेंट्रल। अब देखिए C3 नंबर पे, मैं नंबर भी लिखूंगा ऊपर, 3, 5, 14, 20, 18, 1 और 12। तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 7, तो 7 से जब आएगा तो 7 नंबर पे क्या आता है, G आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे G, ठीक है। प्लस 4 करेंगे यहाँ पे, E5 नंबर, 5 में प्लस 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 नंबर पे क्या आता है, I आता है, I लिखेंगे। उसके बाद देखिए तो दो ऑप्शन ऐसे गलत हो गए, A गलत हो गया और डी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे N 14 पे, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18, 18 पे क्या आता है आपका R आता है, तो GIR, तो GIR आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर B पे, ठीक है। पूरा हम सॉल्व क्यों करें जब इतने पे ही आंसर आ जा रहा है, तो नहीं करेंगे सॉल्व। अगर आपको करना है तो प्लस 4 कर करके आप इसकी पोजीशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसको मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर बॉय को लिखा गया है तो देखिए इसको समझिए कैसे लिखा है, BOY। तो B का कोड क्या है, यहाँ पे डॉलर का साइन है, उसके बाद ये स्टार का साइन है और Y का कोड क्या है, ये बिंदी है। आवर में भी इसी तरीके से लिखा गया है HOUR। तो आवर की जो यहाँ पे कोड है, H का कोड है @, इसका है स्टार और U का कोड आपका यहाँ पे है स्विस फ्रैंक का साइन है ये, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है आर का। तो यहाँ पे रूबी का क्या हुआ, तो आर का मतलब क्या है प्लस, यू का मतलब क्या है इस तरीके वाली साइन, ठीक है, स्विस फ्रैंक की साइन है ये। और इसके बाद यहाँ पे RUBY, तो बी देखिए RUBY, तो बी का कोड क्या है यहाँ पे डॉलर का साइन और वाई का कोड यहाँ पे ये है। तो ये वाला ऑप्शन आपका कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ब्रेन का कोड और TIR का कोड क्या है। तो देखिए R का कोड यहाँ पे क्या है, सेकंड पे क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज लगाएंगे। रेंट का लिखना है तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहला मैंने बता दिया है। R का कोड है आपका परसेंटेज, E का कोड क्या है, E देखिए यहाँ पे E का कोड आपका ये होगा प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। N का कोड यहाँ पे क्या है, N का कोड सबसे लास्ट वाला है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे। T का कोड क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहला डॉलर का साइन, तो यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ लाइट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग, लाइट को अगर हम मॉर्निंग कहते हैं, मॉर्निंग इज़ कॉल्ड डार्क, मॉर्निंग को डार्क कहते हैं, डार्क इज़ कॉल्ड नाइट, डार्क को नाइट कहते हैं, और नाइट इज़ कॉल्ड सनसाइन, नाइट को हम सनसाइन कहते हैं और सनसाइन को डस्क कहते हैं। तो देन व्हेन डू स्लीप, तो स्लीप हम कब करते हैं, रात में करते हैं, नाइट में करते हैं, और नाइट को क्या कहा गया है सनसाइन, तो इसका मतलब हम कब सोएंगे सनसाइन में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए कोड आपको बताना है किस तरीके से होगा। तो D का कोड आपका क्या है हैस, E का कोड आपका है ये, S का कोड आपका है 5, K का कोड है आपका 2। तो यहाँ पे हमें रिस्क से निकालना है ना, RISK। तो R का कोड देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, R का कोड है यहाँ पे परसेंटेज, तो फिर से परसेंटेज लिखेंगे।
आई का कोड क्या है यहाँ पे, आर के बाद आई है सेवन, तो यहाँ पे सेवन लिखेंगे। एस का कोड क्या है, फाइव, फाइव लिखेंगे। देखिए एस का कोड यहाँ पे क्या है, फाइव। उसके बाद के का कोड क्या है यहाँ पे, के का कोड है आपका टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्काई इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड अर्थ, यानी कि क्लाउड को अर्थ कहा गया है। अर्थ इज कॉल्ड ट्री, अर्थ को ट्री कहा गया है। ट्री इज कॉल्ड बुक, ट्री को बुक कहा गया है। तो वेयर डू वी लिव, हम कहाँ पे रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ पे, और अर्थ को क्या कहा जा रहा है, ट्री, यानी कि हम कहाँ पे रहेंगे, ट्री पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, इफ़ रूम इज कॉल्ड बेड, रूम को बेड कहा जा रहा है। बेड इज कॉल्ड विंडो, बेड को विंडो कहा जा रहा है। विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, विंडो को फ्लावर कहा जा रहा है। फ्लावर इज कॉल्ड कूलर, फ्लावर को कूलर कहा जा रहा है। देन मैन स्लीप, तो मैन स्लीप का, स्लीप कहाँ करेगा, बेड पे स्लीप करता है, और बेड को क्या कहा जा रहा है, विंडो, यानी कि मैन कहाँ पर रहेगा, विंडो पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ओ का मतलब है 16, ओ का मतलब क्या है, 16। तो देखिए ओ जो नंबर है ना, वो आता है एक्चुअल में 15 पे है, लेकिन इसमें एक वन ऐड कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया है, 16। इसके बाद एफ ओ आर, तो देखिए एफ ओ आर, अब इसको देखिए कैसे 42 है। एफ होता है 6 पोजीशन पे, ओ होता है 15 पोजीशन पे, और आर आपका होता है 18 पोजीशन पे, लेकिन किया क्या गया है, इसमें एक एक ऐड कर दिया गया। तो एफ का मतलब 7 हो जाएगा, ओ का मतलब 16 हो जाएगा, और आर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आर का मतलब आपका 18 है, तो 19 हो जाएगा। अब 19, 16 और 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 42। अब हमको करना क्या है, फ्रंट का निकालना है, तो फ्रंट लिखेंगे एफ आर ओ एन टी। तो देखिए फ्रंट आता है 6 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ओ आपका आता है 15 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, टी आपका 20 नंबर पे। लेकिन हमें करना क्या है, इससे एक ही बड़ा पोजीशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 6 का 7, 18 का 19, 15 का 16, 14 का 15 और 20 का 21। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, सैंड इज कॉल्ड एयर, सैंड को एयर कहा जा रहा है। एयर इज कॉल्ड प्लेटू, एयर को प्लेटू कहा जा रहा है। प्लेटू इज कॉल्ड वेल, प्लेटू को वेल कहा जा रहा है। वेल इज कॉल्ड आइलैंड, वेल को आइलैंड कहा जा रहा है, और आइलैंड को स्काई कहा जा रहा है। देन फ्रॉम वेयर पर्सन ड्रॉ वाटर, पानी कहाँ से निकालेगा, पानी हम कुएं से निकालते हैं, और कुएं को क्या कहा गया, आइलैंड कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आइलैंड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम आज, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए मैन इज कॉल्ड गर्ल, मैन को गर्ल कहा जा रहा है। गर्ल इज कॉल्ड वुमेन, गर्ल को वुमेन कहा जा रहा है। वुमेन इज कॉल्ड बॉय, वुमेन को बॉय कहा जा रहा है। बॉय इज कॉल्ड वेटर, बॉय को वेटर कहा जा रहा है। एंड वेटर इज कॉल्ड एजेंट, वेटर को एजेंट कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेस्टोरेंट में सर्व कौन करेगा, तो सर्व कौन करता है, वेटर, और वेटर को क्या कहा जा रहा है, वेटर को क्या कहा जा रहा है, वेटर इज कॉल्ड एजेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एजेंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब अगले, यहाँ 10 तक हमने कर लिया है, अब 11 से 20 तक हम अगले वीडियो में करेंगे। एंड फाइनली यहाँ पे वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।